ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। बहुत से जातकों को अपने घर में वास्तु दोष है ये पता होता है, बहुत से जातकों को नहीं पता होता है कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार बना रहेगा, आपके घर में हमेशा अशांति रहेगी, धन कभी टिकेगा नहीं और जीवन में ऐसी परेशानी आएगी जिन परेशानियों में हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो वास्तु दोष की वजह से एक व्यक्ति को परेशानी में डालती है और ये सामान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के जीवन में ये सब चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन ये सामान्य नहीं होना चाहिए, ये असामान्य होना चाहिए, ये बार बार होना चाहिए, ये बार बार हो ही रहा है। हम कई सालों से इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर आने का कुछ तरीके हैं, कुछ बातें हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिल रहा। आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जो आपको मिलना चाहिए, आपका हक आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये वास्तु दोष की वजह से आपके साथ हो रहा है। अब प्रश्न यहाँ से उठता है कि अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें आपके साथ जीवन में घटित हो रही है तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आए। तो इन चीज़ों को मैं बताऊँ, उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, हर हर महादेव लिखे, जय शिव शंभु लिखे, जो भी आपका मन हो आप नाम लिख सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस उसका शुल्क लागू है। सबसे पहला उपाय आपको करना है कि अगर ये सब सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो अभी इसी वक्त बाजार से पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लाए। बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है, नहीं है तो प्रिंट करवा ले, पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लाए और हमारे घर में जैसे एंटर होने के बाद जो पहली दीवार होती है वहाँ पर हमें पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाना है। ये सभी वास्तु दोष को ख़त्म कर देता है। दूसरा है हमारे दरवाजे के पीछे, जैसे मान लीजिए एंटर का जो भी दरवाज़ा है, जैसे एंटर होने के बाद पीछे, आगे के साइड नहीं, पीछे वहाँ पर गणपति जी, पंचमुखी गणपति मिलते हैं तो उनका भी तस्वीर जरूर चिपका लें। ये दो उपाय अगर आप करेंगे विदिन आपको बहुत कम समय में फ़ायदा मिलेगा।